एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, बाद रहें। इसके साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई का चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। सो भाई सब, सुबह सुबह के टाइम हो गया, तकरीबन 9:30 हो गए हैं। तो आज जुमातुल मुबारक है, मेरी तरफ से आप सबको जुमातुल मुबारक बहुत बहुत। तो भाई साहब, आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाज़ार की तरफ, थोड़ा सा ये ना बालों की सेटिंग करवानी है और बाकी जो जो भी काम करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आपने वीडियो देखनी है मुकम्मल, साथ साथ रहिएगा भाई के। तो चलो चलते हैं। अरे बाइक खड़ी है यहाँ पे, चाबी लगाएं इसको, चलते हैं फिर बाहर निकालें इसको पहले। लो जी लो जी लो जी लो जी, चल 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 चल, लो जी बाहर पहुँच गए, बाइक लगा दिए, आवाज़ आ रही है इधर से महफिल की। लगा है आज मोहल्ले में कहीं ना महफिल भी है, काफ़ी आवाज़ आ रही है। चलो चलते चलते यहाँ से देख जाता हूँ। तो भाई साहब उधर महफिल वगैरह है, वो सामने टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो अब गलियों से निकल निकल के मेन सड़क पे आ गया हूँ। आज दुकानें ज़्यादा खुली नहीं होंगी क्योंकि आज जुम्मा है, तो ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो बंद ही होंगी। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं जी हेयर कटिंग करवाने के लिए। यहाँ पे पहले दो कस्टमर बैठे हुए हैं, उनकी हेयर कटिंग हो रही है। एक इधर, एक इधर, जब ये फ्री होंगे उसके बाद आपके भाई की बारी आएगी। लो जी फाइनली आ गई हमारी बारी। तो एक चेयर होगी जी फ्री, अब मैं बैठ गया हूँ। दूसरी साइड पे भी हेयर कटिंग हो रही है। भाई साहब कटिंग वगैरह करवा के आ गए हैं, कटिंग तो नहीं करवाई, बाल तो नहीं करवाए, बस खत शत करवाया है और यही करवा के अब वापस घर आ गए। अब नहाते हैं, नहाने का टाइम हो गया, नहा नहा के फिर हम जाएंगे अपने रेस्टोरेंट। तो हम इस टाइम पहुंच चुके हैं जी रेस्टोरेंट में। तो भाई साहब आगे दूसरा क्या उसको कहते हैं, इस साइड पर सड़क बनी, अब आपको दूसरी साइड पर दिखाता हूँ। एक और साइड पर सड़क बन गई, सड़क बन गई, इसके ऊपर रेत सी पहकी हुई है और वो अब ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश बन रही है। वो सामने बिल्डोज़र चल रहा है, दूसरी साइड से अब तैयार कर रहे हैं। अभी ये सामने वाला रहता है यहाँ पे, ये रोड़ी वगैरह डाल दी है, इसको ऊपर बिल्डोज़र चला कर फिर यहाँ पे भी सड़क बना देनी है। फ्रेंड्स मैंने कहा चलो थोड़ा पास आके बना लें, वीडियो को थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा बन रही है, लेकिन लुक दी जी है ना महक बदबू वो भी काफ़ी आ रही है। बुलडोजर ऐसे बड़ा भी ये भी लगता मैनू, मैं तेरी सारे शहर पा रही। बाकी ये खड़े हैं, ये सब पदरी कर रहे हैं, यानी कि इन्हें लेवल तो कर रहे हैं। खूबसूरत यह हो गया पंप पुंप साफ सुथरा या लगा लग गया सारा। ये इस साइड से देखें ज़रा रेस्टोरेंट, तो भाई साहब आपका भाई खड़ा है बाहर, अपनी बाइक को ना साफ कर रहा है, चमका रहा है। गंदी बहुत हो गई थी, उस दिन धुलाई थी, उसके बाद गंदी बहुत हो गई, धोई नहीं, फिर खुद ही ना साफ सफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा गंदी बाइक अच्छी नहीं लगती है ना। फिर ये देखें जी, ये आपका भाई आ गया, लवली मुंडा, इसको चमका दें ज़रा, अल्लाह खैर करे, इसको चमकाएँगे तो फिर ही हमारा चैनल चलेगा अच्छे से, अल्लाह खैर करे। बाइक साफ सूफ करके बाबा को साथ लूँगा और मैं जा रहा हूँ जी इस टाइम वो सरसों का तेल लेने, जो के लिए जो के खाने के लिए यानी कि इस्तेमाल होता है, तो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। और आपको भी दिखाते हैं कहाँ से लेने जाना है और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। जी भाई साहब टाउन से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं। सब एक शॉप पे पहुंच गए हैं, सड़क के ऊपर ही थी, तो बाबा पता करने गए हैं रेट के बारे में कि कितने का है। लो जी वो पता करने गए हैं, रुपए का किलो है।
धूप निकली हुई है काफ़ी ज़्यादा। भाई साहब ये अंकल यहाँ पे राया जो है ना इसको छान रहे हैं, ये मोटे मोटे जो ख़राब हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे ऑयल जो है उनको डाल रहे हैं और यहाँ पे तोलेंगे फिर इसको। लास्ट टाइम मैं जब आया था तब भी खाला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब ये खाले का पानी है ना गंदा गंदा सा लग रहा है कैसे, ये देखें ऑयल इसमें कैसे है, वो गंदा सा पानी है। ये साइड पे मकई जो है उसको सुखा रहे हैं। भाई साहब अगर बंदा थोड़ा सा गांव वाली साइड को आए ना तो बहुत सी चीज़ें बंदे को नज़र आती हैं जो देसी होती हैं और सेहत के लिए भी मैं कहता हूँ कमाल की होती हैं। शहर में घूमे बंदे को कुछ पता ही नहीं होता कि ये शहर, यहाँ पे आओ गाँव में बहुत सी चीज़ें न्यू देसी जैसे फसलों का पता चलता है। मुझे अब ऐसे यानी कि ना फसलों का कम पता है, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूँ तो फिर मुझे फसलों के बारे में भी पता चल जाता है। यहाँ पे धनिया लगा हुआ है काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये देखें ये सारा उस साइड को लगाया हुआ है। तो बाकी वो सामने किन्नू है, किन्नू का बाग है, अब सीज़न आने वाला है किन्नुओं का, तो फिर यहाँ पे है ना किन्नू ये उतारेंगे। भाई साहब हमारा ये जो इलाका है ना ये किन्नुओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे 3300 गांव हैं चक और जाखड़ा ये वाला और 319 320। भाई साहब जब किन्नुओं का सीज़न आएगा ना तो ये किन्नुओं के बाग में हम जाएंगे और आपके साथ वहाँ पे भी वीडियो शेयर करेंगे, तो दिखाएंगे आपको कैसे पैकिंग होती है। और बाहर यूरोप कंट्रियों में बहुत सारा ना यहाँ से किन्नू जाता है हमारी सिटी से भी। ये है जी बड़े बड़े पत्तों वाला, ये देखें ये है केले का दरख्त है, तो ये केले लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखें हरे है बिल्कुल हरे, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी छोटे छोटे हैं ऐसे तरह है, ये लूंगर बनेंगे, ये देखें पूरा लूंगर ऐसे। तो ये केले अभी ना कच्चे हैं बन रहे हैं, अल्लाह खैर करे ताज़ा हो जाएंगे वधिया वधिया। तो भाई साहब बाबा ने ले लिया ऑयल सरसों का और यहाँ पे हैंग कर दिया, तो अब चलते हैं घर को। बाकी जी दोस्तों फिर आज का व्लॉग भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपने भाई का चैनल यार सब्सक्राइब कर लें। अपने भाई का व्लॉग जो आते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, सारे व्लॉग देखा करें और प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ओके अल्लाह हाफिज़, मैं और मेरे साथ ये केलों का लूँगा, बाय बाय करते हैं आपको, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू गाइस, शुक्रिया, जजाकल्ला, बाय बाय।